चेयरमैन मेजर रोहित मेमोरियल एनजीओ जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं कि इसके हवाले से ये जो आशूरा का जुलूस है ये बग़ैर किसी मजहब व मिल्लत हर तबके का जो मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला है, ये इमाम हुसैन को हर मजहब के लोग मानते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर धर्म के लोग इमाम हुसैन को मानते हैं और ये सितम ज़रीफ़ी है और बड़ी अफसोस की बात है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर दफ़ा 370 सालों के बाद 35A को तोड़ा गया और मैं एज ए चेयरमैन अमित शाह जी और जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं स्टेट के उनसे ये अपील करता हूं कि जो हमारा आशूरा का जुलूस जो कश्मीर वैली के अंदर 32 सालों से बंद है, इस पे बैन लगाया हुआ है, उसका बैन हटाया जाए। ये इमाम हुसैन का जुलूस है, ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ है, ये इमाम हुसैन ने अपनी जो कुर्बानी दी है 72 साथियों के साथ और इस जुलूस अज़ा को जबकि हर मजहब के लोग मानते हैं, इसका बैन जो जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर वैली के अंदर जो 32 सालों से लगी हुई है 1990 से इसको हटाया जाए और यही मेरी अपील होगी प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी से है, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और इस जुलूस अज़ा पे बैन उठाया जाए।